नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों को लेकर अव्यवस्थाओं पर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हरदोई जिले में मात्र 37 मरीज में ही स्वास्थ्य सेवाएं अभी से चरमरा गई हैं, जिसको लेकर कोविड अस्पताल के अंदर से मरीजों ने एक वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ये तस्वीरें हरदोई के कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालय की हैं। और ये तस्वीरें खुद चीख चीख कर बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हैं। कोरोना मरीजों के लिए हरदोई जिले में इस समय ये एकमात्र अस्पताल काम कर रहा है। वैसे तो जनपद में वर्तमान में 1902 कोरोना संक्रमित केस हैं, लेकिन इस इकलौते अस्पताल में मौजूदा समय में महज 37 लोग भर्ती हैं, जबकि बाकी होम आइसोलेशन पर हैं। इस अस्पताल में उन मरीजों का उपचार चल रहा है जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। गंभीर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के उपचार में लगा यह अस्पताल शुरुआती दौर में ही मरीजों की छोटी सी संख्या में बदहाल सा नजर आ रहा है। अस्पताल के अंदर गैलरी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यही नहीं, गैलरी में एक बुजुर्ग व्यक्ति कूड़े के ढेर के बीचों बीच लेटा हुआ है। ऑक्सीजन ही नहीं आती आज तक। हां, ये भी है। ऑक्सीजन ही नहीं आती। हर तीसरे फुट पर ऑक्सीजन सिलेंडर बज रही है सर। आधे 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 मरीज का दिक्कत बना रहता है 8 दिनों से। आधे का तो 10 दिन हो रहा। रात तो लेटे रहते, ऑक्सीजन के आधे निकल जाते हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों का आरोप है कि अंदर कोई भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उनके मरीजों को देखने कई बार बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचता है, जबकि ऑक्सीजन की व्यवस्था भी डवांडोल रहती है। सिलेंडरों में ऑक्सीजन मौजूद होते हुए भी मरीजों को उसकी आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भी अस्पताल प्रशासन को फोन करना पड़ता है। यहां भर्ती एक मरीज के तीमारदार का आरोप है कि उनके पिता की तबीयत खराब थी और वो सुबह से शाम तक दवा लेने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु होने तक किसी ने भी उन तक दवा नहीं पहुंचाई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन की सिस्टम ये था, हम हर तीसरे फोन करते थे, भैया सिलेंडर चालू कर दो, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। फिर रात में 1:30 बजे भैया सिलेंडर चालू करो। पूरे 24 घंटे यही प्रोसेस चलता था। आज सुबह इनका बताते पाइपलाइन बस्ट को, जिसका मेरे पिताजी की नब्ज एक बार रुकी, पंप करने से दोबारा आ गई। फिर उनको कुछ तेज फीवर आया, मैंने दवा की डिमांड की जो अभी तक नहीं मिली। आखिरी मेरे पापा ने 5:03 पर दम तोड़ दिया। पापा इधर, पापा फीवर कितना? फीवर पापा के हालांकि पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी खुद कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। वहीं सीएमओ पूरे मामले में अपने बचाव में अलग अलग दलील देने में जुटे हुए हैं। अंदर से जो वीडियो दिख रहे हैं वो गंदगी के पैकेट्स हैं, जो अंदर से साफ करके गैलरी में रखे गए हैं। उसके बाद ये पैकेट्स उठ करके वहाँ जाते हैं जहाँ डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। वो एजेंसी ले जाती है, वो समय पर आती है, गाड़ी से लेकर चली जाती है। वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है जो हमारे यहाँ का ही एक बुजुर्ग था, वो थोड़ा सा थक गया था तो लेट गया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।